यस सो आई एम लाइव बच्चों। हाँ जी आ जाओ फटाफट आ जाओ। राजू कुमार, अरशद, लाइबा, फ्यूचर डॉक्टर, अखिल, मानसी, अरशद अहमद, एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, सॉरी वेरी गुड इवनिंग, नॉट गुड आफ्टरनून, हाँ गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबको सबको सेशन आप शेयर कर दो फटाफट। आज हम करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तीन चैप्टर्स हैं इसमें, बहुत ही बेहतरीन सवाल होने वाले हैं, अच्छे सवाल हैं, बहुत ज्यादा सवाल पूछे भी जाते हैं इस यूनिट से, ठीक है? तो ये यूनिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जैसा कि आप लोगों ने देखा है, हमने कितनी यूनिट कंप्लीट कर ली, ह्यूमन फिजियो कंप्लीट कर लिया, इकोलॉजी कंप्लीट कर लिया, बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया, कल मैंने जेनेटिक्स कंप्लीट किया। आपका इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है बाकी है, वो मैं अलग से करवा दूंगी, क्योंकि इवोल्यूशन में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो उसको मैं अलग से करवा दूंगी, ठीक है? और इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, हर साल बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बच्चों इस यूनिट से, राइट? यस लाइबा कह रही है मैम रिकॉर्डेड देखा। अच्छा कोई बात नहीं लाइबा, ओके। सो यस फटाफट आ जाओ सब लोग और जल्दी से सेशन को आप शेयर करेंगे अपने अपने दोस्तों के साथ, राइट? तो कैसी चल रही तुम लोग की पढ़ाई वढ़ाई? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है। एस एस क्रिएटिव इज ऑल्सो हियर, गुड इवनिंग धर्मेंद्र, गुड इवनिंग प्रियंका पासवान, हेलो। यस चलो जल्दी से आ जाओ और उसके बाद शुरू करते हैं आज ये बेहतरीन सा यूनिट, ओके गाइस। देखो भाई ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है ना कि मॉर्फोलॉजी पढ़ने में बहुत आसान लगती है, आपको लगता है बहुत आसान है, वही रूट, स्टेम और लीव्स हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइपोगाइनस ओवरी, पेरीगाइनस ओवरी, प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल, इन्फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल, अगर आपको इसके एग्जाम्पल्स नहीं याद है, प्लस इसमें जो तीन चार फैमिलीज दी गई हैं उनका फ्लोरल फॉर्मूला और कैरेक्टर्स नहीं याद है, तो ये चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा सा आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत है, कुछ चीजें याद करने वाली है, वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, राइट? ओके सो आ जाओ जल्दी सब लोग और उसके बाद हम शुरू करते हैं बेहतरीन सा चैप्टर। सेंड मी थम्स अप, हार्ट एंड स्माइली एवरीवन, और फटाफट बताएंगे हाउ इज द जोश गाइस, हाउ इज द जोश, ओके? सो सेंड मी थम्स अप, हार्ट एंड स्माइली, फटाफट भेजो बच्चों और उसके बाद हम शुरू करेंगे ये चैप्टर। और देखो आज जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो भी 100+ क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो टाइम टेक मतलब टाइम कंज्यूम करेगा, ओके? सो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक चीज और उसके बाद इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। नीट 2017 से लेकर 2000 और 1998 तक के सवाल इसमें मैंने लिए हैं, जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, राइट? तो वो हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो जितने भी लोग चैट बॉक्स में प्रेजेंट है, सेंड मी थम्स अप, हार्ट एंड स्माइली एवरीवन, फटाफट भाई। अभी तक थम्स अप, हार्ट एंड स्माइली नहीं है, क्या बात है, आज इतना इतना जोश जोश कम क्यों है? फिनिक्स मैम जेनेटिक्स के क्वेश्चंस का नोट, बेटा नोट नहीं, पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, टेलीग्राम पर चैनल है अमृता जायसवाल से, वहां पर आप चेक कर लो, पीडीएफ वहां पर शेयर है, राइट? और जब बाकी जितने भी यूनिट्स मैंने कराया है वहां पर पीडीएफ शेयर कर दिया है, ठीक है? तो वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो। बाकी नोट्स मुझे नहीं लगता नोट्स देने की जरूरत है, ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, पढ़ा हुआ है आपने और डिटेल में हम डिस्कस भी करते हैं, है कि नहीं? और देखो कुछ लोगों को क्या होता है ना, जब एग्जाम करीब आता है ना, तो कुछ लोगों को अलग अलग से सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे रात में नींद नहीं आना, बहुत घबराहट होना, बहुत टेंशन होना, बहुत प्रेशर फील होना। तो बेटा इतना याद रखो कि दिस एग्जाम, अगर आप इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते तो आप सक्सेस को भी हैंडल नहीं कर सकते, तो स्ट्रेस तो आपको झेलना पड़ेगा। ये स्ट्रेस के तौर पर मत लो, अपने आप को काम रखो, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर लिया करो, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, जितना ज्यादा टाइम आप स्टडीज को दोगे उतना ज्यादा आप कूल रहोगे, उतना ज्यादा आप काम रहोगे, ओके? सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के 10 दिन 5 दिन पहले, राइट? अभी देखो बहुत ही कम समय बचा है, 10 दिन बचा है, अब इस 10 दिन में आपको मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करनी, मैक्स टू मैक्स रिविजन करना है क्वेश्चन का, ठीक है? क्वेश्चन का रिविजन बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, ओके? सो यस शुरू करें, शुरू करें। रजनीकांत इज ऑल्सो हियर, रजनीकांत, लाइबा, मानसी, यस रजनीकांत, रजनीकांत आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ जो द शो मस्ट गो ऑन टाइप्स वाली फीलिंग और एक जुनून सा आ जाता है, भाई रजनीकांत जैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ओके? यस बच्चों तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, 100+ सवाल है यहाँ पर, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार शुरू करेंगे और उसके बाद 100 के बाद ही रुकेंगे, ठीक है? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक नेमेटोफोर्स एंड शो वीवी पेरी बिलोंग्स टू, फटाफट आंसर करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का, जल्दी से आंसर कर दो। यस फटाफट आंसर करो भाई, क्या हो गया, जवाब क्यों नहीं आ रहा, जवाब क्यों नहीं आ रहा? हां जी प्लांट्स
प्रशांत राजपूत कह रहे हैं मैम प्लांट फिजियोलॉजी करा दीजिए। बेटा प्लांट फिजियोलॉजी भी आपकी कराई जाएगी। प्लांट फिजियोलॉजी पे चूंकि 5 चैप्टर्स हैं, तो अगर मैं अगर एक चैप्टर से 30 या 40 सवाल भी लूंगी तो बहुत ज्यादा सवाल हो जाएंगे। तो वो एक दिन मैं मैराथन प्लान करूंगी और उस दिन आपकी प्लांट फिजियोलॉजी कल या परसों में करा दूंगी, उसके लिए आप टेंशन मत लो, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ नाजनीन ताज हेलो, ओके शंभू शायर ओके 90% क्या लिख रहे हैं बच्चे 90%। चलो क्वेश्चन का आंसर दे दो बच्चों, आप क्वेश्चन शुरू करते हैं, राइट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, अब आंसर सेंड करो, आप फटाफट आंसर सेंड करो बच्चों, है ना। हाँ जी चलो ठीक है। तो यस क्या बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर्स एंड सो वीवी पेरी। आपको पता है निमेटोफोर्स किस तरह के प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, हेलोफाइट्स में, जो सॉल्टी एरियाज या सैंडी कंडीशन, जो दलदल में जो प्लांट्स रहते हैं वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये निमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये कैसे होते हैं, वीवी पेरी को शो करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन सबने करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोगेनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। बोगेनविलिया के जो थॉर्न्स होते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं बच्चों, स्टिप्यूल के, एडवेंटिशियस रूट्स के, स्टेम के या लीफ के, फटाफट आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 2 का। यस जल्दी से आंसर कर दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का। यस डॉक्टर अयान हेलो हेलो, जो भी लोग यहां पर है सबको मेरी तरफ से यार हेलो शुक्रिया नमस्कार तो चलता ही रहता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट आंसर करेंगे बच्चों, लाइवा करिए 7 PM 7 PM पे कर दीजिए बेटा, 7 PM पे पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, पॉसिबल नहीं है ठीक है, थोड़ी और भी चीजें रहती हैं तो नहीं हो सकता 7:30 से ही क्लास हो पाएगी ठीक है। तो इन बोगेनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो बोगेनविलिया के थॉर्न्स किसके मॉडिफिकेशन होते हैं बच्चों, ये स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं। बोगेनविलिया में जो स्टेम होता है ना ये मॉडिफाई कर जाता है थॉर्न्स में, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा, ओके। हाँ जी गुड इवनिंग रविंद्र, गुड इवनिंग, परेशान मत हो अगर एक दो लोगों का मैसेज नहीं देख पाती हूँ तो। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, भाई कोकोनट नारियल पानी तुम सबने पिया है ना, नारियल पानी तो तुम सबने पिया है। बेटा ऐसा लग रहा है कि मेरे चेहरे पे कुछ चिपका हुआ है और वो मिल नहीं रहा है मुझे, इरिटेटिंग सा हो गया है ना, क्या करे, थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी। नीट 2017 का सवाल है बच्चों कि द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, कोकोनट का नारियल पानी तुम सबने पिया, और पता है इसमें एडिबल पार्ट क्या होता है, एंडोस्पर्म, जो पानी पीते हो वो क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो व्हाइट व्हाइट जो कर्नल खाते हो उसका जो व्हाइट वाला पोर्शन खाते हो वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, राइट, समझ आई ये बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ अ पैप्लियोनेसियस कोरोला इज आल्सो कॉल्ड पैप्लियोनेशियस कोरोला। नीट 2016 फेज 1 का सवाल है, अगर आपने पढ़ा हो फैमिली पैप्लियोनेसी में क्या होता है कि यहाँ पर जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है वो किस तरह का होता है, जल्दी बताओ। यस आंसर मी फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर मी फास्ट। आज बेटा मेरे चैट में पता नहीं कुछ दिक्कत आ गई है, इसमें ना दिखाई नहीं दे रहा जो तुम लोग आंसर कर रहे हो, वो थोड़ा लेट शो हो रहा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है बच्चों मैं क्या करूं, है ना। यस चलो जल्दी बताओ। हाँ जी बिल्कुल 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 करेक्ट है, वेक्सिलम, वेक्सिलम कहते हैं जो स्टैंडर्ड पेटल होता है ना बच्चों, उसको वेक्सिलम कहते हैं। आपको याद होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड पेटल होता है, फिर जो मीडियम साइज वाले पेटल होते हैं इनको कहते हैं विंग्स, और जो एकदम स्मॉलेस्ट वाले होते हैं आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं इनको कहते हैं कील, और ये जो बड़ा वाला होता है इसको कहते हैं वेक्सिलम या स्टैंडर्ड पेटल, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। नीट 2016 फेज 1 अगेन ये सवाल पूछा गया, जल्दी बता दो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो बच्चों फटाफट। हाँ रिफ्रेश करती हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से रिफ्रेश करके और फिर शुरू करती हूँ उसको, तो शायद अब सही दिखाई देगा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है बच्चों, बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ फटाफट। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। तो बेटा ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि फिलोड क्या होता है, फिलोक्लेड क्या होता है और क्लैडोड क्या होता है, इन तीनों में ना अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपको बता दूं कि जो फिलोड होता है, फिलोक्लेड जो होता है इसमें क्या होता है, स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं फ्लैट ग्रीन ऑर्गन में और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, मतलब लीव्स का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, स्टेम, तो इसको कहते हैं फिलोक्लेड्स, ओके। देन फिलोड क्या होता है, फिलोड में क्या होता है बच्चों की पेटियोल जो होता है ये मॉडिफाई हो जाता है, जो पेटियोल होता है ये मॉडिफाई हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और क्लैडोड में क्या होता है, क्लैडोड में जो लीफ है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पाइन में, यहां पर जो लीफ है ये कन्वर्ट हो जाएगा स्पाइन में, राइट।
तो ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में होनी चाहिए. ओके, सो स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज फिलोप्लेट. राइट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन. यस, हां जी, गुड इवनिंग हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन. इसमें से कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? नीट 2016 फेज वन का सवाल अगेन. देखो, जो सिट्रस के कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, वो क्या होते हैं? स्टेम के मॉडिफिकेशन है. टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर भी स्टेम का मॉडिफिकेशन, ऑफ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपंशिया भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है. बट पिचर ऑफ निपेंथिस, ये जो पिचर ऑफ निपेंथिस है ना बेटा, ये इसके एक पेटल का यानी ये लीफ का मॉडिफिकेशन, ये एक लीफ होती है जो मॉडिफाई कर जाती है. ठीक है, ये लीफ मॉडिफिकेशन है पिक्चर ऑफ निफेंथिस. निफेंथिस कैसा प्लांट होता है? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है. कैसा प्लांट है बच्चों? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है. तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकार्पेलरी सिन कार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ. बेटा, ट्राइकार्पेलरी सिन कार्पस गाइनोशियम, फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का. यस, तो देखो, ट्राइकार्पेलरी आपको अगर फ्लोरल डायग्राम भी याद है ना सारी फैमिलीज का, तो ये किसमें होता है? लीलिएसी में. लीलिएसी में तीन जो होते हैं कार्पल्स होते हैं और तीनों फ्यूज होते हैं. राइट, तीनों फ्यूज होते हैं. तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन. बेटा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है? फटाफट आंसर कर दो. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. यस, आंसर भी फास्ट एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 8. देखो क्या होता है ना, जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो क्या होता है कि जब बहुत दिन तक लगातार बिना कॉन्सेप्ट पढ़े क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन्हीं को ये सारे सवाल लगाने आएंगे भी. ठीक है, अब जिनका कॉन्सेप्ट ही डगमगाया हुआ है, ऊपर से मॉर्फोलॉजी चैप्टर में बेटा कॉन्सेप्ट डगमगाने से काम नहीं करता है. यहाँ एग्जैक्ट चीजें पूछी जाती है और अगर आपको याद है तभी आप कर सकते हैं, है ना. यस, तो यस, वेरी गुड. फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन किसमें होता है? डायंथस एंड प्रिमरोज में होता है. बिल्कुल करेक्ट, ये ऑप्शन सही है. नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ. रेडियल सिमेट्री किसमें प्रेजेंट होती है? अब रेडियल का मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक. ठीक है, अब अगर आपने पढ़ा हो, जितने भी फैमिलीज एनसीईआरटी में दी गई है, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा हो, तो एक्टिनोमॉर्फिक वाली फैमिली दो फैमिली दी गई है. जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, फटाफट. कौन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर? यस बच्चों, 9 का आंसर कौन बता रहा है? भाई देखो, जैसे जैसे नीट पास आएगा ना, वैसे वैसे लोगों, आधे लोग तो पहले ही हथियार डाल देते हैं कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा. आधे लोग तो पहले ही हथियार डाल देते हैं ना कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा. तो भाई वही आधा किस्सा तो वहीं खत्म हो जाता है, आधी लड़ाई तो वहीं खत्म हो गई, वहीं हार तुम लोग की तय हो जाती है. बट जो लास्ट तक लगे रहते हैं, जो एकदम डटे रहते हैं कि नहीं मुझे करना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप नहीं भी सिलेक्ट होने वाले हो, तो लास्ट के 20 दिन में पढ़ाई करके ना आप बहुत आगे निकल जाते हो. आप खुद नहीं बिलीव कर पाते हो कि हाँ यार, लास्ट के एक महीने 20 दिन में पढ़ के मैंने सिलेक्शन पा लिया, है ना. अगर आपने एवरेज भी पढ़ाई की है, कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में हम अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी लगा सकते हैं, हम 3x स्पीड से चलते हैं, और वो पढ़ाई जो है बहुत बेनिफिशियल हो जाती है आप सबके लिए. ओके, यस, तो रेडियल सिमेट्री किसमें होती है बच्चों? ब्रेसिका में. अगर आपने ब्रेसिकेसी फैमिली का आपको याद हो फ्लोरल फॉर्मुला, तो वो कैसा होता है? एक्टिनोमॉर्फिक होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लांट्स अमंग इंडिगोफेरा, सेस्बानिया, साल्विया, एलियम, एलोय, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम एंड टर्निप हैव स्टामिन विद डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर्स. किसमें जो है स्टामिन के डिफरेंट लेंथ पाए जाते हैं? ओके, सो आंसर भी फास्ट एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 10, चलो जल्दी बता दो. यस, बिल्कुल बिल्कुल, राजू कुमार ने देखो बता दिया, नाजनीन ने बता दिया, चलो बहुत अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 10 फटाफट बता दो. तो इसमें क्या पूछा है? डिफरेंट लेंथ पूछा है. अब डिफरेंट लेंथ देखो किसमें होता है? एक तो साल्विया में होता है, मस्टर्ड में हो जाएगा बच्चों, और रेडिश में हो जाएगा, और टर्निप में हो जाएगा. ठीक है, इन प्लांट्स में जो स्टामिन है उसके डिफरेंट लेंथ पाए जाते हैं. राइट, तो इसका करेक्ट आंसर कितने हो गए? 4 में प्रेजेंट है. 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. जो जो लोग 4 ऑप्शन बता रहे हैं, मतलब बी ऑप्शन बता रहे हैं, उनका क्या है? करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू. अब पॉलीएडल्फस कंडीशन किससे रिलेटेड है? तो एडल्फस आया है यहाँ पर. एडल्फस से आप पता लगा सकते हो किसके बारे में बात की जा रही है? एंड्रोशियम, यानी मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात की जा रही है प्लांट के. एंड्रोशियम के बारे में बात की जा रही है, पॉलीएडल्फस. राइट, पॉलीएडल्फस कंडीशन किसमें था? मोनोएडल्फस चाइना रोज, डाइएडल्फस पी एंड पॉलीएडल्फस सिट्रस. अगर आपको याद हो तो मॉर्फोलॉजी में ये सारे टर्म्स दिए गए हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन. भाई फ्लावर किसमें यूनिसेक्सुअल है? जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का. बहुत ही आसान सवाल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसमें प्रेजेंट है बच्चों? अगर आपने फैमिली बहुत अच्छे से पढ़ी है, फैमिली सारी बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो बहुत अच्छे से कर सकते हो. देखो, पी पी क्या होता है आपको पता है?
इसमें दोनों मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है, चाइना रोज में भी और अनियन में भी, बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं किसमें, ककंबर में। ककंबर क्या होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल होता है, ओके, आइदर मेल और फीमेल। नेक्स्ट, रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, भाई रूट्स जो होते हैं इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किस तरह के प्लांट्स में, सीबीएसई आईपीएमटी 2015 का सवाल, यस सीबीएसई आईपीएमटी 2015 का सवाल बता दो। सीबा, अभिषेक मध्यशिया, प्रशांत राजपूत, फीनिक्स, रजनीकांत साक्या, अर्शद अहमद। अच्छा बेटा क्या है ना कि जब मैं थियरी पढ़ा रही थी तो आधे लोग, आधे से ज्यादा लोग इस फेवर में थे, क्वेश्चन कराइए क्वेश्चन कराइए क्वेश्चन कराइए। अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ तो ज्यादातर लोग मुझसे मैसेज करके कहते हैं मैम आपने एनसीईआरटी छोड़ क्यों दी, हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो बेटा ये क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से ही आए हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ के आया करो और ये क्वेश्चंस आप लगा लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर करो क्वेश्चन नंबर 13, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। पिस्टिया एंड आईकॉर्निया, पिस्टिया एंड आईकॉर्निया क्या होते हैं भाई, ये वाटर में तैरते हुए प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर रूट्स का कोई खास रोल नहीं है एब्जॉर्प्शन करने के लिए, राइट, ओके, सो ये वाटर में रहने वाले ही प्लांट्स हैं, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन, एक्साइल प्लेसेंटेशन किसमें देखा था हमने, तो आपको पता है एक्साइल प्लेसेंटेशन किसमें होता है, टोमेटो में, लेमन में, ये सब क्या है एक्साइल प्लेसेंटेशन वाले प्लांट्स हैं। प्लेसेंटेशन के एग्जांपल्स एनसीईआरटी के आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए बच्चों, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, ग्वावा, ककंबर, अनियन, ट्यूलिप, हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी किसमें प्रेजेंट होगी बच्चों, सीबीएसई आईपीएमटी 2015 में पूछा गया सवाल है, यस सुपीरियर ओवरी, बिल्कुल राजू कुमार ने लिख के भी भेज दिया है, बहुत अच्छे। चलो दोनों पॉसिबल ही नहीं है, चलो दोनों पॉसिबल ही नहीं है, आ जाओ सुपीरियर ओवरी। सबसे पहले तो देखो चाइना रोज, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल, इन तीनों में क्या होगी, सुपीरियर ओवरी, आपने पढ़ा भी है हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी के एग्जांपल्स, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा था सोलेनेसी फैमिली, उसमें भी क्या था सुपीरियर ओवरी, और लिलिएसी फैमिली में भी क्या था सुपीरियर ओवरी, तो अनियन और ट्यूलिप में भी क्या हो जाएगा सुपीरियर ओवरी। तो टोटल सिक्स प्लांट में, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, अनियन और ट्यूलिप, इन छह में क्या होंगे सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन, प्लेसेंटा भी एडिबल होता है और पेरिकार्प भी एडिबल होता है किसमें, बेटा जो तुम खाते हो किसान टोमेटो केचप, क्या खाते हो किसान टोमेटो केचप खाते हो ना, ब्रेड पे लगा लगा के और पास्ता में डाल डाल के खूब केचप खाते हो, किससे बनता है टोमेटो से, तो टोमेटो का जो प्लेसेंटा है और जो पेरिकार्प है वो दोनों क्या होता है बच्चों, एडिबल होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, When the margin of sepal or petal overlap one another without any particular direction, the condition is termed as, जब petal और sepal के margin एक दूसरे को overlap करते हैं but without any direction, अगर वो एक direction में overlap कर रहे हैं तो वो क्या होता है twisted estivation, और बिना direction के overlap कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, imbricate estivation, क्या कहते हैं imbricate estivation, so right answer क्या हो जाएगा B option, okay? Next question, which one of the following statement is correct? Correct statement यहाँ पर आपको बताना है। चलो बच्चों, question number 17, फटाफट जवाब दे दो। संभू शायर बोल रहे हैं मैम बाय बाय मैम, ओके बेटा बाय क्या कर सकते हैं, जो लोग जा रहे हैं जाने वाले को कौन रोक सकता है ना बेटा, जाने वाले को कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, यार हम तो मस्त मौला साधु संत टाइप्स आदमी है, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता दुनिया की वास्तविकताओं से, क्या है बहुत दूर है, बस अपना पढ़ाई करते मस्त रहते हैं ना, है कि नहीं बच्चों, जिंदगी में और कुछ तो है नहीं, पढ़ाई करो और मस्त रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट बता दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप देखो, द सीड इन ग्रासेस इज नॉट नॉन एंडोस्पर्मिक, करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट पूछा है यहाँ पर। तो ग्रासेस में सीड जो होते हैं बच्चों एंडोस्पर्मिक होते हैं, क्योंकि ये क्या है मोनोकॉट, और मोनोकॉट ज्यादातर क्या होते हैं एंडोस्पर्मिक, तो ये बात तो गलत होगी। मैंगो इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं होता, और मैंगो में तो इतना बड़ा सीड होता है, जो गुठलियां तुम लोग चूस चूस के खाते हो ना बेटा, वो क्या होता है सीड ही तो होता है, ये बात भी गलत हो गई। प्रोटीनेशियस एल्यूनॉन वेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड, बेटा स्टेराइल स्टेमिन को कहते हैं स्टेमिनोड, ओके। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, समझ में आया बच्चों सी वाला ऑप्शन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एन एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, बेटा आलू, आलू तो कुछ बच्चों का इतना फेवरेट है कि उनको क्या चाहिए, दिन में भी आलू, रात में भी आलू, दोपहर में भी आलू, शाम में भी आलू, मतलब आलू कचालू बेटे कहां गए थे वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने बचपन से फॉलो कर लिया है, ठीक है। तो कुछ लोगों को आलू इतना ज्यादा पसंद होता है कि मतलब आलू की चाट, आलू की सब्जी, आलू का पराठा, सब कुछ आलू का खाते हैं। तो बेटा ये जो आलू तुम खाते हो ना, ये कोई फ्रूट या वेजिटेबल नहीं है, ये क्या है मॉडिफाइड स्टेम है, क्या है ये
मॉडिफाइड स्टेम। अब घर पे जाके मम्मी से कहना मम्मी आलू कोई फ्रूट या वेजिटेबल नहीं है, ये क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, पेड़ का तना है जो मॉडिफाई हो गया और उसे हम खाते हैं, ठीक है। An aggregate fruit is one which develop from, भाई aggregate fruit कहाँ से develop होता है? आपको पता होना चाहिए कि aggregate fruit मतलब बहुत सारे fruit एक दूसरे के साथ क्या हो गए, fuse हो गए, right? तो इनका fusion complete fusion नहीं होता है बच्चों, तो इनको क्या कहेंगे, multicarpellary apocarpus gynoecium। जैसा आपने किसमें देखा था, Mycelia, Mycelia का diagram अगर आपको NCERT का याद हो तो कुछ इस तरह के fruits इसमें बने हुए थे, है ना, कुछ इस तरह के फ्रूट्स बने हुए थे। तो ये क्या है, मल्टीकार्पेलरी है, बहुत सारे कार्पल्स है, एपोकार्पस है, बिल्कुल फ्यूज्ड नहीं है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और गाइनोशियम। ओके, सो एग्रीगेट फ्रूट का डेवलपमेंट किससे होता है, मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम से। समझ में आई ये बात? ओके, समझ आई बच्चों ये बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, बेटा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहां प्रोड्यूस होते हैं, किस में प्रोड्यूस होंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। तो देखो जो पी होता है ये क्या है, डाइकॉट है, और डाइकॉट के सीड कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस, क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म का यूटिलाइजेशन हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, राइट, तो इनका एंडोस्पर्म तो यूटिलाइज हो जाता है पहले ही, तो ये कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, चाइना रोज के फ्लावर्स कैसे होते हैं, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बिल्कुल, हाइपोगाइनस होते हैं, और ट्विस्टेड एस्टिवेशन भी इसमें प्रेजेंट होता है, बिल्कुल करेक्ट है। चाइना रोज के फ्लावर्स कैसे होते हैं बच्चों, एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, हाइपोगाइनस होंगे, और ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ये सब डायरेक्ट एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी नीट 2013 का सवाल है, देख लो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन पूछा है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, समझ आए बच्चों। राजू कुमार, सीबा अंसारी, रविंद्र, शंभू सायर, बेटा शंभू सायर आप तो बाय बोल रहे थे, संजय भरवदा, ओके, अभिषेक मध्यशिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, नीट 2013, अगेन देख लो एक ही एग्जाम में कितने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं इसी एक चैप्टर से, एक मात्र चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सीड कोट इज नॉट थिन एंड मेम्ब्रेनस, भाई मेज में थिन पतला होता है, ग्राउंडनट में भी और ग्राम में, बट कोकोनट का सीड कोट देखा है, वो फाइबर्स, फाइबरस जो मीजोकार्प तुम लोग उतारते हो छील छील के, क्या होता है ना, कोकोनट जब घर में आता है तो जो घर का सबसे खाली वाला बच्चा होता है ना, अगर तुम पढ़ते लिखते नहीं हो तो तुमको थमा दिया जाएगा, लो कोकोनट को पहले छील डालो, फिर तुम उसको छीलोगे, उसको तोड़ोगे बहुत मेहनत से, उसको एक एक चीज, उसका एक एक पार्ट निकालोगे, एंडोकार्प वगैरह अलग करोगे, सेलर एंडोस्पर्म अलग करोगे, और जब खाने की बारी आएगी तो पूरा घर आके खा जाएगा, है ना, तो मेहनत तुमसे करवाई जाती है। पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म, बेटा पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है, आपको पता है पेरिस्पर्म क्या होता है, ये न्यूसेलस का रिमिनेंट होता है, ठीक है, न्यूसेलस का रिमिनेंट होता है, और एंडोस्पर्म क्या होता है, ये क्या करता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट। तो अगर पेरिस्पर्म की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है सीड में, किसमें प्रेजेंट होता है, सीड में, और एंडोस्पर्म कहां प्रेजेंट होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो में, कहां प्रेजेंट होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो में, राइट। तो पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में डिफरेंस क्या हुआ बच्चों, जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो पेरिस्पर्म के पास क्या है, रिजर्व फूड है, लेकिन एंडोस्पर्म हैविंग नो रिजर्व फूड, पेरिस्पर्म एंड एंडोस्पर्म में क्या है भाई, यहां पर एंडोस्पर्म क्या है, एज अ रिजर्व फूड इस्तेमाल किया जा रहा है, बट पेरिस्पर्म क्या है, वो न्यू सीड्स में प्रेजेंट है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, समझ आई बात, फटाफट बताओ, बात समझ आएगी नहीं आएगी, हाँ जी, ओके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो कुछ लोग रिलेट कर पा रहे हैं मुझसे। प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन, बेटा टोमेटो और लेमन का प्लेसेंटेशन कैसा होता है, तो आपको पता है अभी अभी हमने किया, एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है टोमेटो एंड लेमन में। साइमोज इनफ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, साइमोज इनफ्लोरेसेंस बेटा किसमें प्रेजेंट होता है, बहुत ही आसान सवाल है। अभी देखो दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस आपने पढ़े थे, रेसिमोज एंड साइमोज, रेसिमोज में क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो करती है, राइट, और साइमोज में मेन एक्सिस क्या हो जाती है भाई, उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है, लेटरल एक्सिस ग्रो करती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस किस में प्रेजेंट होगा, ब्रेसिका में। अब एग्जांपल्स आपको बेटा ये याद होने चाहिए, ठीक है, एग्जांपल्स अगर आपको याद नहीं है तो फिर दिक्कत है, एग्जांपल्स तो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल इन फ्लावर ऑफ, AIPMT 2012 का सवाल है, गाइनोशियम में बहुत सारे कार्पल या पिस्टल प्रेजेंट होते हैं, अभी 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 मैंने आपको डायग्राम बताया मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ माइकेलिया, तो माइकेलिया वाला डायग्राम बेटा इस मॉर्फोलॉजी वाली यूनिट में नहीं दिया है, ये दिया गया है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाली यूनिट में, माइकेलिया का डायग्राम, ठीक है, वहां से इंटररिलेट करके ये सवाल आपसे पूछा गया है।
ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। पहला अनियन, अनियन में क्या होता है बल्ब, बिल्कुल करेक्ट है। जिंजर में सकर नहीं होता है, राइजोम होता है, ये गलत है। क्लमाइडोमिनाज में कोनिडिया नहीं होता है बच्चों, और ईस्ट में जूस्पोर नहीं होता है, ये भी गलत है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। आपको पता है कोकोनट में एडिबल पार्ट क्या होता है, एंडोस्पर्म। जो पानी पीते हो दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो व्हाइट पोर्शन खाते हो दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। बेटा वेक्सिलरी एस्टिवेशन किसमें देखते हैं, फेबेसी फैमिली, पैपलियोनेसियस एस्टिवेशन भी इसको कहते हैं, और ये फेबेसी फैमिली में देखा जाता है। राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिल्लोड इज प्रेजेंट इन, अभी अभी मैंने डिफरेंस बताया फिल्लोक्लेट, क्लैडोड और फिल्लोड में। तो फिल्लोड में क्या होता है बेटा, पेटियोल का जो होता है मॉडिफिकेशन होता है, पेटियोल मॉडिफाई कर जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और ये प्रेजेंट होता है किसमें, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में। किसमें प्रेजेंट होता है, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके यार आज मुझे बहुत गुस्सा आ रही है बच्चों, आज बहुत गुस्सा आ रही है, बता दूं क्यों आ रही है, पता नहीं क्यों मेरा चैट जो है डिले शो कर रहा है, और जब भी मैं इसको बार बार बंद करके ऑन कर रही हूं तो तुरंत डायरेक्ट चैट दिख रहा है, और अदरवाइज ये डायरेक्ट चैट नहीं दिख रहा है। बताओ बच्चों क्या किया जाए, है ना, और ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत गुस्सा आता है, डर ही लगता है कि ऐसी चीजें ना हो, है ना बच्चों, डर लगता है कि ऐसी चीजें ना हो। अब बताओ क्या किया जाए, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। राहुल मलिक, राहुल इज ऑन द फ्लोर गाइस, जस्ट राहुल के लिए स्वागत, मतलब राहुल का स्वागत तुम लोग नहीं करोगे, खैर राहुल मलिक बेटा आप हमेशा लेट आते हो सेशन में, हमेशा आप लेट आते हो, है ना, तो टाइम से आया करो, मैं बहुत पहले आ जाती हूँ, 2 मिनट पहले ही आके मैं बैठ जाती हूँ, आई डोंट नो वाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। बहुत ही आसान आसान सवाल है यार, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, मतलब जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में ये सारे सवाल कुछ भी नहीं है, बस आपका रट्टाफिकेशन अच्छा होना चाहिए मॉर्फोलॉजी में। अगर आपने रट रखा है, अगर आपने रट रखा है बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्पल्स, तो और एग्जाम्पल्स को पता है ट्रिक बना के याद क्या करो, जितनी अच्छी ट्रिक बनाओगे, कुछ कुछ भी इमेजिन करके ट्रिक बना लो, और ट्रिक बना के एग्जाम्पल्स को याद करो, तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके चलो, रविंद्र कह रहे मैम आपने भाई का मोबाइल ले लीजिए, भाई है ही नहीं यहाँ पे, चला गया कहीं। ओके ओके चलो चलो ठीक है। क्वेश्चन 32 बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट बेटा क्या है, सीड्स ऑफ ऑर्किड हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म। तो बेटा ऑर्किड जो है मोनोकॉट है और ये नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, ये गलत हो गया। प्लेसेंटेशन इन प्रिमरोज इज बेसिल, तो प्रिमरोज में क्या होता है, बेसिल प्लेसेंटेशन नहीं होता है। राइट प्रिमरोज में क्या होगा, कौन सा प्लेसेंटेशन होगा, कौन बताएगा मुझे प्रिमरोज में, इसको ढूंढ के बताओ। प्रिमरोज में शायद फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होता है। एंड फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड शूट, इन टोमेटो फ्रूट इज कैप्सूल। तो बेटा टोमेटो में फ्रूट क्या होता है, वेरी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके यस 32 का राइट आंसर तुम लोग क्या बता रहे हो बच्चों, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, गलत गलत आंसर मत दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर, बेटा आलू की भी, आलू की भी आंखें होती हैं, तुमने देखा होगा डायग्राम एनसीईआरटी में बना है। तो आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर ये होता क्या है बेटा, ये एक्सिलरी बड्स होते हैं। क्या होते हैं ये, एक्सिलरी बड्स। नेक्स्ट, द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ चिली, मिर्ची। भाई मिर्ची, मिर्ची सुनते ही ना कुछ कुछ याद आने लगता है, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, समझ जाना तुम लोग। सीबीएसई एमएमटी 2011 का सवाल है। अब चिली किसका मेंबर है, सोलेनेसी, और आपको सोलेनेसी का अगर फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम याद है तो आप ये क्वेश्चन फटाफट सही कर लोगे। जल्दी बताओ जो क्वेश्चन नंबर 34, भाई चिली का फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, आपने देखा था इसमें 5 कैलिक्स होता है, पांचों के पांचों क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। कोरोला भी 5 होता है, फ्यूज्ड होता है। एंड्रोसियम 5 होते हैं लेकिन फ्री होते हैं, और कोरोला से अटैच्ड होते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसे होना चाहिए था। और गाइनोशियम 2 होता है, सुपीरियर होते हैं, और दोनों क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। ओके करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बेटा किसमें प्रेजेंट है, गुलमोहर में। आपको अगर एग्जांपल्स याद हो एनसीईआरटी के, तो जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल क्या क्या था, पी गुलमोहर बीम केशिया, जाइगोमॉर्फिक पी गुलमोहर बीम केशिया, ये 4 एग्जांपल दिए गए एनसीईआरटी में। तो गुलमोहर में क्या है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रूप डेवलप्स इन, ड्रूप फ्रूट किसमें प्रेजेंट होगा बच्चों,
आपको पता है ड्रूप क्या होता है, सिंगल सीडेड फ्रूट होता है, और ये किसमें होता है, मैंगो में, राइट। मैंगो और कोकोनट में किस तरह का फ्रूट होता है, ड्रूप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन फ्लावर ऑफ, हाफ इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है प्लम रोज एंड पीच में, किसमें, प्लम रोज एंड पीच, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कील इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर, बेटा कील किसमें देखा था, वेक्सिलरी एस्टिवेशन में, और वेक्सिलरी एस्टिवेशन किसमें प्रेजेंट था, फेबेसी फैमिली में, और फेबेसी का मेंबर यहाँ पर कौन है, बीन, ये किसका मेंबर है, फेबेसी, पेप्लियोनेसी का मेंबर है, राइट। जितनी भी मटर वाली फैमिली है, मटर वाली फैमिली याद रखना, ओके, यस, राजू कुमार ने एग्जांपल लिखकर भेज दिया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिलॉक्युलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज, बेटा यूनिलॉक्युलर ओवरी और सिंगल ओव्यूल, इस तरह का प्लेसेंटेशन कौन सा होता है, बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन हमने किसमें देखा था, मारीगोल्ड में देखा था, है ना, मारीगोल्ड में, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, बेसल प्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंड्रोशियम इन द फ्लावर ऑफ चाइना रोज, बेटा चाइना रोज में कौन सी कंडीशन होती है एंड्रोशियम की, मैंने बताया था चाइना रोज मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस पी एंड पॉली एडल्फस सिट्रस, तो चाइना रोज में क्या हो जाएगा, मोनो एडल्फस कंडीशन। ओके, सारे के सारे जो एंड्रोशियम होते हैं ना, उनके फिलामेंट्स एक दूसरे में फ्यूज कर जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर किस रीजन से डेवलप होता है, तो रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, आपने पढ़ा होगा रूट में कई सारे रीजन पाए जाते हैं, रूट कैप होता है, फिर मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन होता है, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, और फिर रीजन ऑफ मैच्यूरेशन होता है, और इसी रीजन ऑफ मैच्यूरेशन से रूट हेयर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हार्डवुड, हार्डवुड के कंटेक्स्ट में रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है बच्चों, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिटेड इन, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, हार्डवुड और सैपवुड के लिए एक ट्रिक मैंने बताई थी, हादसा, एक चीज याद रखना, हादसा, बेटा जब भी किसी का दिल टूटता है तो क्या होता है उसके साथ, बड़ा सा हादसा, राइट। हादसा मतलब हर्ट, हर्ट मतलब दिल, हर्ट मतलब ड्यूरामेन, ओके, ड्यूरामेन। हार्टवुड को क्या कहते हैं, ड्यूरामेन, और सैपवुड, एस मतलब सैपवुड, और सैपवुड का नाम होता है एल्बर्नम, एल्बर्नम। तो ये ट्रिक तुम लोग याद रखना, हादसा, हर्ट, एच से दिल हो गया, दिल टूटा तो मतलब क्या हुआ, हादसा हुआ तुम्हारे साथ, और हादसा के लिए हम क्या याद करते हैं, H यानी हार्टवुड, D फॉर ड्यूरामेन, S यानी सैपवुड, A फॉर एल्बर्नम। ओके, सो ये बात आप बिल्कुल याद रखना बहुत अच्छे से। ओके, चलो, इट इज हाईली ड्यूरेबल, बिल्कुल हार्टवुड जो होता है हाईली ड्यूरेबल होता है, करेक्ट है। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली, तो बेटा ये वाटर मिनरल का कंडक्शन नहीं करता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड इट कंप्राइज डेड एलिमेंट विद हाईली रिग्निफाइड वेल, ये भी क्या है, करेक्ट है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल्स का बना होता है कौन, फेलेम, फेलेम क्या है बच्चों, फेलेम किसको कहते हैं, कॉर्क को कहते हैं, और कॉर्क किसका बना होता है, डेड होता है कॉर्क। फ्लोएम, जायरम पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये सब क्या है, लिविंग सेल्स के बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मल गिव्स राइज टू, भाई वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है, आपको पता है वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगा, फटाफट आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 44, यस, आंसर बी फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 44। दीपिका बेटा आप भी लेट हो, मोइन शेख आप भी लेट हो, जो लोग रेगुलर आते हैं ना वो लोग टाइम पर आया करो, जितने भी लोग रेगुलर क्लास करते हैं वो लोग टाइम पर आया करो, तो तुम लोग का ही इसमें बेनिफिट है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर लोगे। चलो 44, तो भाई वैस्कुलर कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल आर कॉल्ड, गार्ड सेल के किनारे किनारे, ये आपका गार्ड सेल है और गार्ड सेल के किनारे किनारे कुछ इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन सेल्स का नाम क्या होता है बच्चों, तो दीज आर कॉल्ड सब्सिडरी सेल्स, क्या कहते हैं इन्हें, सब्सिडरी सेल्स। नेक्स्ट, द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस, बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं टाइलोसिस कहते हैं उनको, ये होते क्या है, ये जाइलम पेरेन्काइमा के एक्सटेंशंस होते हैं वेसल्स में, ठीक है, जाइलम वेसल्स में क्या होते हैं, ये आपकी जाइलम वेसल्स है, इसमें ये जाइलम पेरेन्काइमा कुछ इस तरह का बैलून शेप स्ट्रक्चर बना देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, टाइलोसिस, ठीक है। तो दीज आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स इनटू वेसल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्टेक्स इज द रीजन बिटवीन, बेटा कॉर्टेक्स किसके किसके बीच का रीजन होता है, आपकी एपिडर्मिस, जो प्लांट की एपिडर्मिस है, और स्टील एपिडर्मिस, ये वाली पार्ट एपिडर्मिस हो गई, फिर कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस हो गया, ये हो गया कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के अंदर का सब कुछ क्या कहलाता है, स्टील। ओके, जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज वगैरह आते हैं। तो बेटा एपिडर्मिस से लेकर एपिडर्मिस और इसके बीच में जो भी कुछ प्रेजेंट है, दीज आर ऑल कॉल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टील। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, कभी भी आपको डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट के बारे में पता लगाना हो तो आप किसको,
किसको देखोगे, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट के बारे में बच्चों। तो एक चीज याद रखना, कभी भी डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट देखना है तो क्या देखो, प्रोटोजाइलम देखो। क्या देखो? प्रोटोजाइलम। रूट में कैसी कंडीशन? एक्सार्क कंडीशन। और स्टेम में कैसी कंडीशन? एंडार्क कंडीशन। ठीक है, रूट में क्या होता है? एक्सार्क कंडीशन। मतलब एक्सार्क का मतलब, एक्सार्क का मतलब आपका जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट रहेगा इन केस ऑफ रूट्स, ओके। और एंडार्क का मतलब क्या होता है? एंडार्क वाली कंडीशन होती है आपकी स्टेम में, स्टेम में। और इसका क्या मतलब है कि जो प्रोटोजाइलम है वो कहां पर रहेगा? पिथ की तरफ रहेगा, पेरिफेरी की तरफ नहीं रहेगा। तो ये देखकर आप पता लगा लोगे कि कौन सा स्टेम है और कौन सा रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकेट्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स इन। भाई ट्रैकेट्स जो होते हैं अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स से डिफरेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रैकेट्स में परफोरेशंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, दे आर इम्परफोरेटेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ। नीट 2013 का सवाल है भाई, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे डेवलप होते हैं, किस सेल से डेवलप होते हैं? तो ये डेवलप होते हैं बेटा मेडुलरी रेस से। मेडुलरी रेस जो होता है, जैसे आपका जो वैस्कुलर, जो भी वैस्कुलर टिश्यूज है इनके बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड मेडुलरी रेज। यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, तो इनके एक्टिव होने से क्या बनता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ अ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय। किसी भी ट्री की एज को एस्टिमेट करना है तो क्या गिनते हैं हम? एनुअल रिंग्स। जितने ज्यादा एनुअल रिंग उतना ज्यादा बूढ़ा प्लांट या ट्री, राइट। समझ आया? यस, चलो क्वेश्चन 51 समझ आया बेटा। कभी भी ट्री की कोई भी, जब जैसे आप घर में जिनके फर्नीचर बनता है तो वो बड़े बड़े पेड़ काट के लाते हैं, तो उसमें भी देखा करो आप, गोल गोल से रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ। कॉमन बॉटल कॉर्क, कॉर्क किसका प्रोडक्ट है? आंसर मी फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 52। तो बेटा जो कॉर्क होता है ना, वो एक्चुअली होता क्या है? कॉर्क, कॉमन बॉटल कॉर्क किसका प्रोडक्ट है? यस, अब देखो कॉर्क कौन बनाएगा? कॉर्क बनाएगा कॉर्क कैम्बियम, और कॉर्क कैम्बियम को क्या कहते हैं? फेलोजेन। क्या कहते हैं बच्चों? फेलोजेन। कुछ टर्म्स में आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे फेलोजेन, फेलेम, फेलोडर्म एंड पेरिडर्म, ठीक है। तो फेलोजेन किसको कहते हैं? कॉर्क कैम्बियम को। फेलेम कहते हैं कॉर्क को, और फेलोडर्म किसको कहते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। किसको कहते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। और इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पेरिडर्म। क्या कहते हैं बच्चों? कलेक्टिवली पेरिडर्म, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कॉमन बॉटल कॉर्क, कॉर्क बनाता कौन है? कॉर्क कैम्बियम, यानी ये किससे बनेगा, किसका प्रोडक्ट है? फेलोजेन का प्रोडक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। बेटा कंपेनियन सेल्स किससे ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं? तो दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव एलिमेंट। सीव ट्यूब से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड, ये सीव एलिमेंट है, इसके किनारे किनारे चिपके होते हैं कंपेनियन सेल्स, डायग्राम आपने देखा होगा। वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। बेटा वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं मेज में, राइट, मेज में पाई जाती हैं इन वैस्कुलर बंडल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल लैक। बेटा क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल है मतलब कैम्बियम क्या है? एब्सेंट है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम अगर प्रेजेंट है मतलब क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो इसको कहेंगे ओपन वैस्कुलर बंडल। अगर कैम्बियम एब्सेंट है मतलब सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी, मतलब इसको कहेंगे क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। ये बात, ये टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। अभी मैंने बताया तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? पेरिडर्म। नेक्स्ट, ग्राउंड टिश्यूज इंक्लूड्स। बेटा ग्राउंड टिश्यूज में कौन आते हैं? ग्राउंड टिश्यूज का मतलब क्या है? अभी इसके पहले मैंने बताया था कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज द रीजन बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टील। एंड ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आते हैं? तो इसमें ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। अगर एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ दिया जाए तो जितने भी टिश्यू हैं सब कैसे हैं? ग्राउंड टिश्यू हैं, ओके। नेक्स्ट, द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में जो वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है वो क्या होता है? ट्रैकेट्स होते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। They are exclusive character of angiosperm. ये exclusively present होते हैं किस में? Angiosperms में, xylem vessels, okay? So gymnosperm में conduction कौन कर रहा है? Xylem trachytes. Next, which one of the following is not a lateral meristem? बेटा lateral meristem का मतलब होता है secondary meristem. Secondary meristem. इसमें intrafascicular cambium भी क्या है? Secondary. Interfascicular भी, phallogen भी. But intercalary meristem is an example of primary meristem. किसका example है? Primary meristem का. तो right answer आपका क्या हो जाएगा? D वाला option. Okay? समझ आई बात? चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हार्टवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड। भाई हार्टवुड और सैपवुड में क्या डिफरेंस है? तो जो हार्टवुड होता है वो क्या होता है कि उसमें डेड एलिमेंट्स जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। डेड एलिमेंट्स क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। अब डेड एलिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे तो उसको किसी का फर्क नहीं पड़ेगा। भाई जिसका दिल टूटा हो ना उसके ऊपर किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता है, वो अलग ही देवदास लेवल का बन जाता है इंसान, है ना। या तो देवदास बन जाएगा या तो फिर वो एकदम ही एरोगेंट बन जाएगा, भाई अपने ड्रीम्स पे फोकस्ड हो जाएगा। दो तरह के लोग होते हैं दिल टूटने के बाद। एक होते हैं जो एकदम टूट जाते हैं, भाई अब तो दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, और दूसरे होते हैं कि भाई इसने मेरा दिल टूटा है, तोड़ा है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि कौन सा गाना था, मेरा अंजाम देखेगी समथिंग समथिंग, मुझे लाइंस नहीं याद आ रही है लिरिक्स, ठीक है, शादी में जरूर आना का वो गाना, ठीक है, तुम्हें याद होगा, तुम लोग चैट बॉक्स में जरूर बता दोगे। तो वो जो दिल टूटना होता है ना, वो वाला दिल टूटना अच्छा होता है कि भाई दिल टूटा तुम आईएएस अफसर बन गए, है ना। तो ये वाला राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हार्टवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड इन, यस। तो इसमें क्या होते हैं, डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स का डिपोजिशन हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलिसेड पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द लीव्स ऑफ। बेटा पैलिसेड पेरेन्काइमा किसमें एब्सेंट होगा? यस, हाँ राहुल मलिक बोल रहे हैं मैम व्हाट एन एग्जांपल। वाह बेटा तुम लोग को एग्जांपल्स बहुत अच्छे लगते हैं ना इस तरह के, बॉलीवुड वाले हैं कि नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बेटा बेख्याली नहीं दिग्विजय चौहान, पिट जाओगे तुम, कबीर सिंह मत बनो तुम, बेख्याली में भी ख्याल आया। हाँ हद है यार तुम लोग भी ना। चलो 61 बता दो, पैलिसेड पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द लीव्स ऑफ। बेटा पैलिसेड पेरेन्काइमा मतलब पेरेन्काइमा जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं किसमें, डाइकॉट्स में। डाइकॉट्स में क्या होते हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, पैलिसेड पेरेन्काइमा। बट बेचारे जो मोनोकॉट्स है ना उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो सॉर्गम क्या है, ये मोनोकॉट प्लांट है, बाकी सब डाइकॉट है। तो सॉर्गम में पैलिसेड पेरेन्काइमा एब्सेंट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाटॉमिकली फेयरली ओल्ड डाइकॉटिलेडनस रूट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डाइकॉटिलेडनस स्टेम। बेटा स्टेम और रूट को डिस्टिंग्विश करना है तो क्या करोगे, प्रोटोजाइलम की पोजीशन देख लेना। क्या करोगे, प्रोटोजाइलम की पोजीशन देख के हम बता सकते हैं, है ना। हाँ अरे बेटा वो वाला गाना था, याद आ गया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। तो वो बिल्कुल तुम लोग के दिमाग में भी ना बिल्कुल वो वाला फीलिंग होना चाहिए कि भाई अगर तुम्हें किसी ने रिजेक्ट किया है ना तो फिर उसको अपने रिजल्ट से दिखाओ भाई मेरे में क्या टैलेंट है ना। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाला सीन होना चाहिए भाई। यूपीएससी डॉक्टर वॉक्टर बन जाओ बहुत अच्छे से, क्या जरूरत है किसी के प्यार की, है ना, दुनिया अपने आप प्यार करने लगेगी, है कि नहीं बच्चों। चलो द एनुअल एंड स्पाइरली थिक एंड कंडक्टिंग एलिमेंट्स जनरली डेवलप इन द प्रोटोजाइलम व्हेन द रूट और स्टेम इज। भाई जो ये एनुलर या स्पाइरली थिकेंड, ये जो आपका कोई भी मान लो प्रोटोजाइलम है या रूट है या स्टेम है, तो इस रूट या स्टेम में क्या होता है कि भाई कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप कर जाते हैं, कंडक्टिंग एलिमेंट, ठीक है, कंडक्टिंग एलिमेंट, ठीक है। ये डेवलप करते हैं क्यों, जब किसी भी रूट या स्टेम की क्या होती है, वाइडनिंग होती है, जब उसकी चौड़ाई बढ़ती है ना, तो इसी तरह के कंडक्टिंग एलिमेंट्स वहां पर डेवलप करते हैं, एनुलर या स्पाइरल। ओके समझ आई बात। चलो अर्शद अहमद पिटोगे बेटा तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बार्ली स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर। बेटा बार्ली में वैस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे, बार्ली में वैस्कुलर बंडल। अच्छा देखो तुम लोग ऐसे नॉर्मल पढ़ाई की बात करो कोई मजा नहीं आएगा, जैसे ही थोड़ा सा हार्ट ब्रेक, थोड़ा प्यार मोहब्बत की बातें, बॉलीवुड की बातें आ जाए ना, तुम लोग एकदम एक्टिव हो जाते हो। देखो कितने एक्टिव हो गए, हाँ कितने एक्टिव हो गए सबके सब। अर्शद तो कह रहा है मैम किसी ने रिजेक्ट ही नहीं किया। चलो बार्ली स्टेम, बेटा बार्ली क्या है, मोनोकॉट है। अब बार्ली मोनोकॉट है तो इसके वैस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे, मोनोकॉट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो मतलब वैस्कुलर बंडल कैसे है, क्लोज्ड है, और ये बिखरे हुए हैं, कैसे है, स्कैटर्ड है। वैस्कुलर बंडल क्या है, स्कैटर्ड है स्टेम में, राइट, अगर आपको डायग्राम याद हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटर नोड्स इन द कल्म ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ। भाई जो शुगर केन के लेंथ के शुगर केन होता है, इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो कोई शुगर केन के इंटरनोड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। आप जब एकादशी के दिन गन्ना लेने जाते हो तो मम्मी कहती है बेटा गन्ना वो ले आना जो बहुत ही मोटे मोटे और जिनके इंटरनोड्स बहुत बड़ी बड़ी हों, ठीक है, तो वो क्या होता है उसमें शुगर कंटेंट रस आपको ज्यादा मिलेगा। तो क्या होता है कि ये जो इंटरनोड का डिफरेंट लेंथ होता है ये किसकी वजह से होता है बच्चों, तो ये होता है आपकी इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। इस इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से क्या होते हैं, शुगर केन के जो इंटरनोड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर होते हैं अलग अलग शुगर केन में। नेक्स्ट, वैस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम। बेटा फ्लावरिंग प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू कौन डेवलप करता है, अब आपने एक थियरी पढ़ी थी,
आपने एक थियरी पढ़ी थी जिसका नाम था हिस्टोजेन थियरी। कौन सी थियरी पढ़ी थी? हिस्टोजेन थियरी। ये हिस्टोजेन थियरी क्या बताती है कि तीन तरह के जो वैस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं, जो टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, वो तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका एपिब्लेमा। क्या होता है? एपिब्लेमा। दूसरा होता है पेरिब्लेम। तीसरा होता है प्लूरोम। एपिब्लेमा नहीं बच्चों, डर्मेटोजेन। डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लूरोम। तो जो डर्मेटोजेन होता है ये बनाता है एपिडर्मिस, पेरिब्लेम बनाता है क्या आपका कॉर्टेक्स, और प्लूरोम क्या बनाता है? ये आपके बनाते हैं वैस्कुलर टिश्यूज। क्या बनाते हैं बच्चों? वैस्कुलर टिश्यूज। ओके, सो यहां पर वैस्कुलर टिश्यूज कौन बनाएगा? आपका प्लूरोम। किससे बनेगा? प्लूरोम से। तो हिस्टोजेन थियरी के अकॉर्डिंग तीन तरह के स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने बताए। कौन कौन से? डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम एंड प्लूरोम। डर्मेटोजेन एपिडर्मिस बनाएगा, पेरिब्लेम मिडल पार्ट बनाएगा, और प्लूरोम जो है ये वैस्कुलर टिश्यूज बनाएगा। ओके, यस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन। बेटा पैसिव सेल्स जो होते हैं ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, और ये पाए जाते हैं एंडोडर्मिस में, रूट की एंडोडर्मिस में, फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकल। ये पैसिव सेल पैसेज प्रोवाइड करते हैं, रास्ता प्रोवाइड करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकल। प्रेजेंट होते हैं कहां पर? एंडोडर्मिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सुटेबल। अगर आपको सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में स्टडी करना है तो कौन सा पेयर आप सिलेक्ट करोगे? तो आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है बच्चों वो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स में होता है, और फ्यू जिम्नोस्पर्म्स में भी होता है सेकेंडरी ग्रोथ। राइट, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में भी होता है और फ्यू जिम्नोस्पर्म्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है। बात आई समझ? अब देखो यहां पर जो टीक है, ये टीक क्या है? एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म। और ये जो पाइन है, पाइनस, ये क्या है? जिम्नोस्पर्म। तो इन दोनों को अगर आप ले लो तो आप क्या कर सकते हो? सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी बहुत ही आराम से कर सकते हो। बात आई समझ? यस। किलर गेमिंग, दिग्विजय चौहान, विकास वर्मा, यस, फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 68। समझ आए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर। भाई वेसल एलिमेंट्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स में कॉमन क्या है? कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर बताना है आपको। तो इन दोनों में, चाहे बात हो वेसल एलिमेंट्स की चाहे सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, दोनों क्या होते हैं? पोरस होते हैं। इनके लैटरल वॉल्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वुडी डाइकॉट ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यूज। प्राइमरी टिश्यूज किस में प्रेजेंट होंगे? हर पार्ट में नहीं होंगे, स्टेम रूट्स में नहीं, शूट टिप और रूट टिप। ये शूट टिप और रूट टिप में क्या होते हैं? मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं, और यहां पर ये कैसे बनेंगे? प्राइमरी टिश्यूज ही तो हैं ये एक तरह के। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप अपवर्ड द फोर जोन्स ऑकर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले आप क्या देखते हो? रूट कैप, देन सेल डिवीजन वाला जोन, फिर सेल एनलार्जमेंट वाला जोन जिसको कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, एंड देन जोन ऑफ मैच्यूरेशन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, क्लोरेनकाइमा इज नोन टू डेवलप इन द। बेटा क्लोरेनकाइमा कहां पर प्रेजेंट होता है? अगर आपने मॉसेस का अगर आप स्पोरोफाइट देखो तो उसमें होता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल। क्या होता है? फूट, सीटा एंड कैप्सूल। अब इस कैप्सूल में जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन स्पोर्स में प्रेजेंट होता है कौन? क्लोरेनकाइमा। इस क्लोरेनकाइमा के पास होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल काम करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब खाना बना के देता है। ठीक है, तो ये क्लोरेनकाइमा कहां पर प्रेजेंट होंगे? स्पोर कैप्सूल ऑफ अ मॉस में। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73, द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट। एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट कहां पर प्रेजेंट होगा? जल्दी से आंसर करेंगे। तो एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट इज प्रेजेंट ऑल द रूट्स। हाँ, सारे रूट्स में होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, तो हर रूट में होगा, सिर्फ रेडिकल में नहीं होगा, सिर्फ टैप रूट में नहीं होगा, सिर्फ एडवेंटिशियस, हर तरह के रूट में एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। द सेल्स ऑफ द क्वीसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय। बेटा क्वीसेंट सेंटर के जो सेल्स होते हैं, क्वीसेंट सेंटर क्या होता है? सेल्स इन द सेंटर ऑफ रूट एपेक्स। रूट एपेक्स के सेंटर में कुछ सेल्स होते हैं ना, वो उनको कहते हैं क्वीसेंट सेंटर। अब इनके पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म कम होता है, हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉलर न्यूक्लियाई। ये क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म इनके पास कम होता है और न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो क्वीसेंट सेंटर के सेल्स को हम इस तरह से कैटेगराइज या कैरेक्टराइज करते हैं।
मेन फंक्शन ऑफ लेंटी सेल्स. बेटा लेंटी सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये काम करते हैं गैसियस एक्सचेंज में. लेंटी सेल्स आपने एनसीईआरटी में डायग्राम भी बनाकर दिया हुआ है, स्टेम्स में प्रेजेंट होंगे और क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज करेंगे. नेक्स्ट वेसल्स आर फाउंड इन. बेटा वेसल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, अब आपको पता है कि जो वेसल्स जाइलम वेसल्स जो होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किसके, एंजियोस्पर्म के, बट इसके एक्सेप्शंस भी हैं. तो ये बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं और कुछ जिम्नोस्पर्म्स में भी वेसल्स पाए जाते हैं, राइट. तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में और कुछ जिम्नोस्पर्म्स में भी वेसल्स पाए जाते हैं. राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन. समझ आई बात, समझ आया, बताओ मुझे. क्वेश्चन नंबर 76, कभी भी ये मत कर देना वेसल्स आर फाउंड इन ऑल जिम्नोस ऑल एंजियोस्पर्म्स एंड नो जिम्नोस्पर्म्स, ऐसा नहीं होता है. ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म्स हैं जहां पर वेसल्स एब्सेंट है और कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म्स हैं जहां पर वेसल्स प्रेजेंट है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, चार रेडियल वैस्कुलर बंडल कहां पर प्रेजेंट होते हैं. बच्चों डायकॉट रूट में आपने पढ़ा था, डायकॉट रूट में चार वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं. अगर आपको रूट का क्रॉस सेक्शन याद हो डायकॉट रूट का, तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल थे. और पॉलीजाइलिक कंडीशन होती है, मतलब मोर देन सिक्स जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, मोनोकॉट में. किसमें, मोनोकॉट रूट में. ओके तो पॉलीजाइलिक होती है किसमें, मोनोकॉट में. तो यहां पर चार रेडियल वैस्कुलर बंडल पूछा है तो किसमें हो जाएगा, डायकॉट रूट में. नेक्स्ट एक्सिलरी बड एंड टर्मिनल बड आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ, बेटा एक्सिलरी बड एंड टर्मिनल बड किसकी एक्टिविटी से डिराइव होते, तो ये बनते हैं एपिकल मेरिस्टम से. किससे बनेंगे, एपिकल मेरिस्टम से. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट है. यस नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is true? Question number 79. So vessels are multicellular with narrow lumen. Vessels जो होते हैं multicellular होते हैं, ये correct है. और इनका lumen भी बहुत पतला होता है. Vessels are multicellular with narrow lumen. बिल्कुल correct है. Trachids are multicellular with narrow lumen. गलत है. Vessels unicellular नहीं होते हैं. Trachids भी unicellular नहीं होते. Right answer आपका क्या हो जाएगा, A वाला option. Loading of phloem is related to. बेटा phloem में जो loading होती है वो किससे related है, तो loading का मतलब ही होता है increase of sugar in phloem. मतलब sugar की loading होती है, increase of sugar in phloem is right answer A. Next question, what happens during vascularization in plants? जब plants में vascularization होता है तो क्या होता है. Yes, question number 81. फटाफट answer करेंगे बच्चों. तो vascularization के दौरान प्रोकैम्बियम डिफरेंशिएशन कैम्बियम का, जाइलम का और फ्लोएम का, तीनों का साइमल्टेनियस चलता है. मतलब कैम्बियम बना, साइमल्टेनियसली वो क्या बनाएगा, फ्लोएम बनाएगा और जाइलम भी बनाएगा. तो वेस्कुलराइजेशन के दौरान जो प्रोकैम्बियम बनता है, प्रोकैम्बियम मतलब कैम्बियम से पहले वाली, जैसे कोई भी प्लांट बना तो उसमें वेस्कुलराइजेशन हो रहा है, तो सेकेंडरी ग्रोथ की बात नहीं हो रही है बच्चों, वेस्कुलराइजेशन. जब वेस्कुलराइजेशन हो रहा है मतलब वेस्कुलर बंडल्स का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, तो यहां पर डिफरेंशिएशन होगा किसका, प्रोकैम्बियम का, जाइलम का और फ्लोएम का. और ये तीनों कैसे होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं. कैसे होंगे, साइमल्टेनियस. ओके सो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग. अगर मेल फ्रॉग में जो स्पर्म का पैसेज है अगर उसको देखे, तो करेक्ट सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले क्या होता है, टेस्टिस. टेस्टिस के बाद होता है वासा एफरेंशिया, उसके बाद होती है किडनी, किडनी के बाद होता है क्या, बिडर्स कैनाल. किडनी के बाद क्या होता है बच्चों, बिडर्स कैनाल. तो टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, किडनी, बिडर्स कैनाल, देन होता है यूरिनो जेनाइटल डक्ट एंड देन क्लोएका. राइट सीक्वेंस यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन. नीट 2016 फेज वन का सवाल है, देख लो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं. एरियोलर टिश्यू टेंडन्स में प्रेजेंट होते हैं, नहीं गलत है. टेंडन्स क्या होते हैं बच्चों, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है. ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज पर इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. क्यूबाइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक में नहीं प्रेजेंट होते हैं. स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ये करेक्ट है. इंटेस्टाइन की वॉल में कैसे मसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, कौन सा फीचर नहीं प्रेजेंट है. इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो बच्चों पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में इनडिटर्मिनेट नहीं, डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, ये गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा. एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का. मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है और साइजोसिलोम भी प्रेजेंट होता है. ओके कॉकरोच में, अब देखो अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों. फ्रॉग से तो अब बहुत सिलेबस में नहीं है, बट कॉकरोच से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और अर्थवर्म से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओके यस
तो ये आपको जरूरी है याद रखना है, एटलीस्ट एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना। इन मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नीट 2016 फेज 2 का सवाल है। कॉकरोच में स्पर्म का स्टोरेज कहां पर होता है बच्चों, तो ये होता है सेमिनल वेसाइकल में। कहां होता है? सेमिनल वेसाइकल। नेक्स्ट, द बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ। अब आपको पता है जो कॉकरोच है ये क्या है? इंसेक्ट। और इंसेक्ट्स कैसे होते हैं? ये यूरिकोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो इसका नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ में किस फॉर्म में रिलीज होगा? पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में। अब ये पोटेशियम यूरेट बाद में इसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, ठीक है। तो ये रिलीज होगा किस फॉर्म में? पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ये बात जो है ध्यान रखना तुम लोग, ओके। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, गैप जंक्शन का फंक्शन क्या होता है? तो इट डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स आल्सो। तो ये क्या होता है? दो सेल्स को ज्वाइन करता है, कम्युनिकेट करता है और इसमें रैपिड ट्रांसफर होता है किसका? आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और लार्ज मॉलिक्यूल्स का भी। इसीलिए इसका नाम क्या है? गैप जंक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, करेक्ट मैच पेयर आपको बताना है क्वेश्चन 88 में। देखो, टेंडन क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। गलत है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। गलत, एडिपोज टिश्यू डेंस नहीं है, ये क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये करेक्ट है। और कार्टिलेज क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज, ओके। सो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, करेक्ट मैच पेयर बताना है यहां पर आपको। तो देखो क्या हो जाएगा करेक्ट मैच पेयर, इनर लाइनिंग ऑफ सेलिवरी डक्ट, इनर लाइनिंग ऑफ सेलिवरी डक्ट में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? तो यहां पर होता है सीलिएटेड नहीं, कंपाउंड एपिथीलियम। क्या होता है? कंपाउंड एपिथीलियम। देन मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी, मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी में ग्लैंडुलर एपिथीलियम नहीं होगा, यहां पर भी होता है कौन? कंपाउंड एपिथीलियम। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबाइडल एपिथीलियम, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबाइडल एपिथीलियम यस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था पीसीटी और डीसीटी में क्या होते हैं? क्यूबाइडल एपिथीलियम प्रेजेंट होते हैं। इनर सर्फेस ऑफ ब्रोंकियोज में स्क्वेमस एपिथीलियम नहीं होते, क्या होता है बच्चों? सीलिएटेड एपिथीलियम प्रेजेंट होता है, ओके। सो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 89 का? यस, दैट सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट माउल्ट ऑफ अ कॉकरोच निम्फ। कॉकरोच में जो लास्ट माउल्टिंग होती है, एनसीईआरटी की सबसे लास्ट लाइन है कॉकरोच की, जब लास्ट माउल्टिंग होती है ना तो विंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। लास्ट माउल्टिंग के बाद जब एडल्ट बनता है तो ये क्या हो जाता है? बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स डेवलप, दोनों विंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ओके। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कॉकरोच के बारे में, ठीक है। नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली, बेटा डॉर्सली नहीं होता है, कैसा होता है? ये वेंट्रली लोकेटेड सिस्टम होता है। मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, यस। मेल के पास क्या होता है? एनल स्टाइल होता है और यही यहाँ पर क्या करता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का काम करता है। देयर आर 16 वेरी लॉन्ग, बेटा मालपीजियन ट्यूब्यूल्स 16 नहीं होते हैं, 100 से 150 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरीड ओनली बाय माउथ पार्ट, तो ग्राइंडिंग के लिए गीजर्ड और क्रॉप भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी क्या है? गलत है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथीलियल सेल्स इन ह्यूमन आर नोन टू ऑकर इन। सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथीलियल सेल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? तो आपको याद होना चाहिए फेलोपियन ट्यूब में और ब्रोंकियोल्स में। बेटा ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब में क्या होंगे? सीलिएटेड एपिथीलियम होंगे, ओके, क्योंकि वहां पर क्या करना है? ट्रांसफर करना है किसी चीज का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइंड ऑफ एपिथीलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल। इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल में किस तरह के एपिथीलियम प्रेजेंट होते हैं? आंसर भी फास्ट, हाँ, मेल स्टाइल मारते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यही ट्रिक थी याद करने की। तो इनर वॉल ऑफ एपिथीलियम ब्लड वेसल्स में क्या होता है? स्क्वेमस एपिथीलियम होता है, राइट। द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट अडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस आर फाउंड इन। ये जितने जंक्शंस होते हैं ना बेटा, ये ज्यादातर पाए जाते हैं किसमें? एपिथीलियल टिश्यू में। ये जंक्शंस ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं कहां पर? एपिथीलियल टिश्यू में। अदर टाइप ऑफ टिश्यूज में भी पाए जाते हैं बट ज्यादातर कहां होते हैं? एपिथीलियल टिश्यूज में होते हैं। नेक्स्ट, द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर पिन्ना एक्सटर्नल ईयर इज ऑल्सो फाउंड इन। भाई हमारे एक्सटर्नल ईयर में जो पिन्ना है उसमें जो जिस तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं वो और कहां पर पाए जाते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पिन्ना में क्या होता है? येलो फाइब्रस कार्टिलेज होता है। क्या होता है बच्चों? येलो फाइब्रस कार्टिलेज। और यही येलो फाइबर कार्टिलेज कहां पर होता है? टिप ऑफ नोज में, आपकी जो नोज की टिप है ना उस पे भी यही येलो फाइब्रस कार्टिलेज
प्रेजेंट होता है. ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन. ओके, जितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो सेशन है उसको लाइक जरूर करें बेटा. उससे लाइक से क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन. कुछ नहीं तो लाइक तो कर ही सकते हो, है ना? कुछ नहीं मिल रहा तो लाइक तो तुम लोग का एक एप्रिसिएशन तो मुझे मिल ही सकता है कि नहीं, इतनी मेहनत के बाद. Which one of the following correctly describe the location of some body part in earthworm Feritima? भाई earthworm के body parts यहाँ पर दिए गए हैं और आपको correct statement बताना है. Two pair of accessory glands in 16th to 18th segment. तो बेटा जो accessory gland होते हैं वो 16th-18th में नहीं, ये होते हैं आपके 17th-17th और 19th segment में. तो ये तो गलत हो गया. Four pair of spermatheca in 4th to 7th segment. बेटा ये 4th to 7th segment में नहीं, ये 6th to 9th segment में होते हैं. 6 से 6, 7, 8, 9 में present होते हैं चार pair. One pair of ovary attached to its intersegmental septum of 14th and 15th. तो बेटा ये 14th and 15th पर नहीं होते, ये 12 और 13 segment पर होते हैं. Two pair of testes in 10th and 11th segment. ये बिल्कुल correct है. Right answer क्या हो जाएगा? D वाला option. समझ आई बात? इतनी बात समझ में आई? Yes. Okay. नहीं दोबारा नहीं दीपिका, इतने स्मार्ट मत बनो बच्चों. दोबारा नहीं. कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज, ब्लड के कंपैरिजन में लिम्फ के पास क्या होता है बच्चों? लिम्फेटिक सिस्टम. पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये चीज याद दिलाई थी, ठीक है? लिम्फ में डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा होता है और आरबीसी जीरो होता है. तो लिम्फ हैव मोर डब्ल्यूबीसीज एंड नो आरबीसीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स आर, मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट. कौन? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट. ओके, ये बात हमने कहां डिस्कस की थी? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में. आप देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन लिंक करके कहीं भी पूछा जा सकता है. समझ आ रही है बात, है ना बच्चों? चलो, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न्ड विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड द नेचुरल एंटीकोएगुलेंट हेपरिन? चलो इसका आंसर तुम लोग बताओगे, क्वेश्चन नंबर 99 का. 99 का आंसर बेटा तुम लोग बताओगे. अब देखो, 99 इतने सवाल मैंने कराए, अब 99 का आंसर तुम बताओगे, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में मैंने ये तुम लोग को पढ़ाया था, ठीक है? मैंने ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि भाई हिस्टामिन और हिपेरिन का सिक्रीशन कौन सा सेल करता है? चलो बताओ क्वेश्चन 99. यस, वेरी गुड प्रियंका पासवान, बहुत अच्छे बच्चे. ये बेसोफिल से सिक्रीशन होता है किसका? हिस्टामिन और हिपेरिन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली? भाई कौन सा ऐसा सेल है जो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में एरोबिकली मेटाबोलाइज नहीं कर सकता? यस, आंसर मी फास्ट एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी कंप्लीट हो गई हमारी. 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे. अब बता दो क्वेश्चन नंबर 100. राहुल, फिनिक्स, राजू कुमार, मोइन शेख, सीबा, समायरा, रविंद्र, फ्यूचर डॉक्टर, सबिस्ता, विकास वर्मा, खुशबू नाजिर, प्रतीक्षा, प्रशांत राजपूत, रजनीकांत, सबके सब तो प्रेजेंट है. जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चों. क्वेश्चन नंबर 100. यस, आंसर भी फास्ट एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 100 बच्चों. वेरी गुड प्रियंका पासवान, विकास, वेरी गुड, सबने सही दिया. रेड ब्लड सेल्स, बेटा रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? मैच्यूरेशन के दौरान इसका न्यूक्लियस और इसके सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं. अब अगर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा एरोबिकली. तो रेड ब्लड सेल्स में ऐसा होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शन मोस्ट फ्रीक्वेंटली? आप किसमें सबसे ज्यादा सेल जंक्शंस को देखोगे? मोर फ्रीक्वेंटली सेल जंक्शंस आपको कहां मिलेंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम में, थ्रोम्बोसाइट्स में, टेंडन्स में, और हाइलाइन कार्टिलेज? यस, आंसर मी फास्ट एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 101. मैम मानसी एंड लाइबा आर मिसिंग. अब बेटा आई कांट डू एनीथिंग इन दैट. आई हैव टोल्ड देम, आई हैव शेयर्ड द सेशन आल्सो, बट इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड आई कांट फोर्स एनीवन टू कम एंड अटेंड माय सेशन. Those who are interested, those found it beneficial for them, those found it helpful, they are here. Those don't, they are not. What can we do in that? Right? Yes. So question number 101 beta bata do. Chalo, jaldi batao. 101 ka answer kaun de raha hai bhai? Yes, very good. Maine bataya, jyada tar frequently ye kahan milte hain? Epithelium mein milte hain bachcho. सीलिएटेड एपिथीलियम में मिल जाएंगे. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन फोर स्लाइड्स, व्हिच ऑफ देम विल नॉट कोएगुलेट?
चार ड्रॉप्स रखे गए किसके, ब्लड प्लाज्मा के, ब्लड सीरम के, सैंपल फ्रॉम थोरेसिक डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड होल ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वे। ठीक है, तो इन चारों में कौन कोएगुलेट नहीं करेगा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कौन सा कोएगुलेट नहीं करेगा। यस, आंसर मी फास्ट एवरीवन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 102। राहुल जल्दी बताओ बेटा, राहुल, वर्षा, रविंद्र, यस आंसर मी फास्ट क्वेश्चन नंबर 102। यस वेरी गुड, ब्लड सीरम, ब्लड सीरम कोएगुलेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सीरम क्या होता है बच्चों, सीरम इज द प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, और क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो कोएगुलेट करने का कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है, इसलिए ये कोएगुलेट नहीं करेगा। ओके, सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे बच्चों, 102 क्वेश्चंस थे हमारे पास टोटल इस यूनिट से, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी से। अच्छा, इसके बाद जो है मैं या तो प्लांट फिजियो कराऊंगी या प्लांट फिजियो का एक मैराथन कराऊंगी किसी स्पेशल डे के दिन, जिसमें हम 200 से ज्यादा सवाल करेंगे, और इसके बाद कौन सी यूनिट कराई जाए जरा तुम लोग एक बार मुझे बता दो, कौन सी यूनिट आप लोग चाहते हो कि इसके बाद मैं कौन सी यूनिट कराऊं प्लांट फिजियो के अलावा, क्योंकि प्लांट फिजियो ना पूरा तीन घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे उसको, जिस दिन मैं कराऊंगी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, 5 चैप्टर हैं तो वो मैराथन में चला जाएगा। इसके अलावा बच्चों बताओ कौन सा यूनिट तुम लोग को कराया जाए जो तुम लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे जल्द से जल्द रिवाइज करना है ना, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो मेरे प्यारे बच्चों। यस प्रियंका, रजनीकांत, अर्शद, रविंद्र, सीबा, वर्षा, फटाफट बताओ, रमेश कुमार, हेलो, राहुल, बेटा राहुल जल्दी बताओ कौन सा यूनिट कराया जाए, बायो मॉलिक्यूल्स, रिप्रोडक्शन, मैम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन फिजियो, बेटा ह्यूमन फिजियो हो गया है, मैत्री, फिनिक्स, रिप्रोडक्शन एंड बायो मॉलिक्यूल्स, बेटा बायो मॉलिक्यूल्स तो आपका आ जाएगा सेल वाली यूनिट में, सेल डिवीजन और बायो मॉलिक्यूल वो आपका एक ही दिन करा दिया जाएगा, रिप्रोडक्शन कुछ लोग बोल रहे हैं और कुछ क्या बोल रहे हैं मैम, इवोल्यूशन, हाँ इवोल्यूशन बाकी है बेटा, इवोल्यूशन भी आपको कराना है, राइट बेटा, पूरी एक यूनिट बताओ ना, पूरी एक यूनिट बताओ, चैप्टर मत बताओ, बायो मॉलिक्यूल सेल वाला चैप्टर, ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन एंड डिजीज, अच्छा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाली यूनिट करा दी जाए, क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ना, ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट, यानी इसके बाद वाली क्लास में आप क्या करोगे, ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट करेंगे हम, ठीक है, ये करा देते हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। विकास वर्मा, बेटा पिटोगे आप, जेनेटिक्स मैंने अभी कल ही कराया है, जेनेटिक्स कराया है बच्चों, राहुल मलिक रिप्रोडक्शन करा दो मैम, रिप्रोडक्शन भी कराऊंगी, रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर है वो भी आपका करा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, है ना, पहले ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर करा दूं, क्योंकि ह्यूमन वेलफेयर से सवाल बहुत आते हो, बहुत आसान होता है, तुम लोग रिवाइज करके जाते नहीं हो और वहां पे गलत करके चले आते हो, ठीक है, तो ह्यूमन वेलफेयर वाला करा दूंगी बच्चों इसके बाद वाली क्लास में, ठीक है, उसके बाद जो है एक दिन आपका लगेगा रिप्रोडक्शन, एक दिन लगेगा सेल, एक दिन लगेगा इवोल्यूशन, एक दिन ह्यूमन वेलफेयर और एक दिन प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब विद इन वन वीक में आपका पूरा यूनिट कंप्लीट, मतलब पूरी 11 12th की बायो की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, एक हफ्ते लगेंगे, एक हफ्ते में इकोलॉजी हो गया है, समायरा इकोलॉजी सबसे पहला सेशन था जो मैंने अभी शुरू किया था, 3 दिन पहले का सेशन देख लेना, इकोलॉजी हो गया है, ठीक है, इकोलॉजी करा लिया, बायोटेक्नोलॉजी करा लिया, जेनेटिक्स करा लिया, आज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल हो गया 4 और एक एनिमल फिजियोलॉजी, 5 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, 5 यूनिट्स वी हैव ऑलरेडी डन, ओके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करा दो मैम कंप्लीट यूनिट, कौन सा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कौन सा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बच रहा है बच्चों बताओ, ह्यूमन फिजियो हो गया है, प्लांट डाइवर्सिटी कर दो, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, गुलाम भाई बोल रहे हैं, यस सेल डिवीजन, यस सेल वाली यूनिट भी एक दिन लगेगा आपको, ह्यूमन वेलफेयर कर लेते हैं इसके बाद जो है सेल वाली यूनिट कर देंगे, ठीक है, परेशान मत हो, सारी यूनिट्स कराई जाएगी आपको, ह्यूमन वेलफेयर कल कर लेते हैं या इसके बाद वाली क्लास में, हाँ समायरा आप आई नहीं थी बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना उसका, ठीक है, मैं देखती हूँ इसमें जो है मैंने 2-3 यूनिट्स ही बचे हैं अब क्लास 11th में, तो बच्चों देखो प्लांट फिजियो बचा है, डाइवर्सिटी बची है और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी सेल वाली यूनिट बची है, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बचा है, डाइवर्सिटी और प्लांट फिजियो, 3 यूनिट आपकी इसमें बची है, और अगर उसकी बात करें क्लास 12th एनसीईआरटी में तो एक रिप्रोडक्शन बचा है, रिप्रोडक्शन एंड उसके बाद आपकी एक इवोल्यूशन और देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला यूनिट, ओके
इकोलॉजी मैंने करा दी है, तो टोटल 5 यूनिट आपके बचे हैं और 5 यूनिट 5 दिन में हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। 5 यूनिट 5 दिन में हो जाएंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी के फैक्ट्स रिवाइज करेंगे, हम पे डिग्री एनालिसिस जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल वाले सवाल लगाएंगे, इकोलॉजी के ग्राफ वाले सवाल लगाएंगे, ठीक है बच्चों, ये सारा कुछ हम करेंगे। हाँ राहुल मलिक समझ गई, मैं देख लिया मैंने, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंक्लूड सेल एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये तो कितने प्यार से बता रहे हैं मैम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंक्लूड सेल, सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स, ओके आई नो, चलो भूल गई थी थोड़ी देर के लिए, ओके देन बच्चों वी विल मीट एट द सेम टाइम, कल आपकी क्लास थोड़ी मुश्किल है बट मैं कोशिश करूंगी कि कल आपकी क्लास हो जाए, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होती है अगर कल या मंडे को, तो ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट करेंगे, पढ़ के आना तुम लोग, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे लगवाने वाली हूँ मैं, उस दिन मैं लगवाऊंगी 150 सवाल, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, और पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहो तुम सब, ओके, पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से करते रहो बच्चों, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ आई बात, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अब ये कंप्यूटर जो है ना बच्चों, कभी कभी हैंग करने लगता है तो मुझे आती है गुस्सा, अब बताओ इसका क्या किया जाए, अब तुम्हारी मैम या तो ऐसे ही लाइव बैठी रहे।